Now, page number 36. Question answers that you have to write in your Hindi notebook. Okay. First one. School ki bachche Tara madam ke saath kahan jaane ki taiyari kar rahe the. Okay. So, school ke bachche, children and Tara madam ke saath. So, they were planning. They were getting ready for going somewhere. Where they were going? They are going to Sariska Rashtriya Udyan, Alwar, Rajasthan mein. Right. So, answer. School ke bachche Tara madam ke saath. Yes, अलवर राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए तैयार हो रहे थे. अच्छा, नाउ सभी बच्चे किस कारण उत्साह से भरे थे? व्हाई दे वर सो मच एक्साइटेड. उत्साह मींस दैट एक्साइटेड. व्हाई दे वर सो मच एक्साइटेड? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू सी द टाइगर लाइवली. सो पहली बार उसने क्या देखने जा रहे थे? एक भाग को देखने जा रहे थे, इसलिए वो उत्साह में भरे थे. नाउ द थर्ड वन, शिकारियों ने बाघ को क्यों घायल किया था? व्हाई द हंटर्स इंजर्ड द टाइगर? बिकॉज शिकारियों ने बाघ की खाल को निकालना चाहते थे. खाल मीन्स द स्किन. इट इज वेरी कॉस्टली. सो बाघ की खाल बहुत कीमती होती है. उस खाल को निकालने के लिए शिकारियों ने बाघ की क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे. ओके. एंड द लास्ट वन, बाघ की दहाड़ में उसकी बचाओ बचाओ की पुकार थी. कैसे? इन दैट साउंड, इन द रोरिंग साउंड ऑफ द टाइगर, बचाओ बचाओ, हेल्प मी, दैट साउंड वॉज द वाई. ओके, बिकॉज द भाग वॉज द टाइगर वॉज इंजर्ड. लाइक भाग घायल हुए थे. उस घायल की वजह से वो बहुत दर्द में थी. दर्द का मतलब द पेन. दैट्स वाई बचाओ बचाओ आवाज थी उस दहाड़ में. अच्छा, नाउ पेज नंबर 37. प्रीफिक्स एंड सफिक्स दैट वी हैव लर्न्ड इन इंग्लिश. लाइक प्रीफिक्स एंड सफिक्स, दैट मींस व्हाट? प्रीफिक्स मींस द लेटर व्हिच वी आर एडिंग टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, एंड सफिक्स मींस द लेटर व्हिच वी आर एडिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड. यस. सो फॉर प्रीफिक्स, हिंदी में हम प्रीफिक्स को क्या कहते हैं? उपसर्ग. क्या कहते हैं? उपसर्ग, दैट इज प्रीफिक्स. सफिक्स को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय. ओके, सो प्रीफिक्स मींस उपसर्ग, दैट इज द लेटर व्हिच इज एडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, एंड सफिक्स मींस प्रत्यय दैट वी आर एडिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड. ओके, सो प्रीफिक्स उपसर्ग एंड सफिक्स प्रत्यय. क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द एग्जाम्पल्स एंड द डेफिनेशन ऑफ दैट उपसर्ग एंड प्रत्यय. ओके, नाउ चेक इट आउट. पढ़िए समझिए और लिखिए. अभय, एंड इन दैट दैट आ इज डार्कन्ड. अभय आंद्र कुछ डार्कन चीज़ दैट मीन्स दैट लेटर इज द उपसर्ग, प्रीफिक्स ऑफ दैट वर्ड. भाई शब्द से पहले आ लगकर अभय शब्द बना है. भाई शब्द से पहले आ लगकर. ओके, सो भाई दैट मीन्स फियर, एंड व्हेन वी आर एडिंग दैट आ इन फ्रंट ऑफ दैट भाई, द वर्ड मीनिंग इज चेंज्ड. That means bhai means fear and abhay is the opposite word of that. That is fearless. Okay, bhai, abhay. The second one, prasiddha. Theek isi prakar, siddha shabd se pehle pra laga kar prasiddha shabd bana hai. Siddha means talent. And when we are adding that pra in front of siddha, it will become what? Famous. Okay, siddha means talent and prasiddha means famous. So that whole word meanings are changed. Okay, so that is what? Upasarg. Okay. And in the first word, which is the upasarg? A. And the second word, which is the upasarg? Pra. Clear? Now, in the box, definition of upasarg. Aise shabdamsh jo kisi shabd se pehle lagkar uska artha badal de, ve upasarg kehlate hain. Aise shabdamsh. Okay. So, the word, the letter, which we are adding at the front, at the beginning of a word, and it should be changed the word meaning, then it is called upasarg. Okay, so you can't add any letter that you want to add, but it should be meaningful also. Okay, so that word is called what? Upasarg. Okay, now the next one. Diye gaye shabdon mein a aur pra upasarg lagakar naye shabd banaiye. That is very easy. A is written, adhik saman is written. So we have to add that a in front of that saman. So asaman.
आ अधिक, अधिक मीन्स दैट प्लस. ओके आ अधिक समान मीन्स असमान. एंड द सेकेंड वन विकार. सो विकार शब्द के पहले दैट मीन्स द बिगिनिंग ऑफ विकार वी हैव टू ऐड आ. सो दैट विल बी अविकार. ओके सो समान दैट इज इक्वल. असमान मीन्स वॉट? नॉट इक्वल. दैट इज ऑपोजिट वर्ड. एंड विकार मीन्स फीलिंग. अविकार मीन्स वॉट? विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फीलिंग. सो मोस्ट प्रोबेबली सम वर्ड्स व्हाइल वी आर एडिंग दैट आ it will be the opposite word. Okay. Now, pra is not like that. Pra adhik yog. So, prayog. Yog means our destiny. And prayog means what? Usage. Okay. So, here the whole meaning of the two words are changed. And bhal, and we have to add pra. Prabhal. Bhal means the strength. And prabal means famous. Okay. Now, next one. So we have learned what is upasarg. Now we are moving to pratyay. Veerata. And in that word, which word letter is darkened? That is ta. Veer shabd ke baad ta lagakar veerata shabd bana hai. Veer shabd ke baad. Ke baad ka means after. Okay, after that veer shabd, at the end, we have added ta. So veerata. That is what? Yes, suffix. Pratyay. And shikari. Shikar is the word and we have added iki matra. So it is not only that letter, it can be the matra also. And shikar shabd ke baad e lagakar shikari shabd bana hai. So we can't write e in between that words. So we have to use that matra. E ennallada aksharam ezhuthunnathine pagaram ida matra aanu nammal ivide ittirikkunnathu. Okay, so adanengilum adu what is that? Pratyay. Okay, now in the box, aise shabdamsh jo kisi shabd ke and mein judkar ka matlab at the end, uska arth badal de. The meaning is changed. Ve pratyay kehlate hain. Examples are given. Kayar adhik ta. It is very easy. Kayarata. You have to add that. And safal adhik ta. Safalada. Success. And kayarada means what? That fearfulness. Okay. And keemat plus, that is keemat adhik e, that is matra. So keemti. Okay. And khush plus e, that is khushi. E ki matra. Don't write e rather. Okay. You should put that matra. Clear?